हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने क्लास टू के रूप में जो हमने अब से 10 प्लस पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया है, उसके अंतर्गत मैं आपको हिंदी की शुरुआत यहां पर विधिवत तरीके से करने जा रहा हूँ। हिंदी में मेरा जो मेन फोकस है, यानी किन किन विषयों, किन किन परीक्षाओं को लेकर हम पढ़ेंगे, उनमें सबसे बड़ी चीज जो आपके सामने है, हिंदी में कवर करेंगे हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की जितनी परीक्षाएं होती हैं। अभी लेखपाल आपका देख रहे हैं, वर्तमान में बहुत ही ज्यादा चर्चित रहा है, ठीक है। 5200 वैकेंसी आपकी लेखपाल की आ रही है, ऐसा सुनाई दे रहा है। बहुत सारे पेपर वालों ने भी सब कुछ क्लियर कर दिया है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश एसआई भी इसके बाद डन है, आनी ही आनी है, इसमें कोई वो नहीं है। उत्तर प्रदेश एसआई भी आएगी, उसमें भी हिंदी का रोल बहुत ही व्यापक होता है। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भी जो अगली वैकेंसी आएगी, उसमें भी आपका हिंदी, ठीक है, होना ही होना है। तो नई जॉब जो आपकी यूपीएसआई की और यूपीपी की है, देखो सुरक्षा वाली जॉब है, ये जरूर आनी है, इसमें कोई इब्बड़ नहीं है। दूसरी चीज इसमें ये ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं हिंदी को लेकर के, तो हिंदी के बहुत सारे अलग अलग आयाम है यूपी ट्रिपल एससी। अच्छा, दूसरी बात, इन सभी परीक्षाओं को आपका जो है टीसीएस करवाता भी है। TCS एक संस्था है जो इन सारी परीक्षाओं को करवाती है। तो हिंदी में आज हम लोग जो कुछ शुरुआत कर रहे हैं इस मतलब क्लास के अंतर्गत, इसमें हम लोग आप पूरा वन टू वाल पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी जो नए पैटर्न पर है, जैसा कि आपको युवा कल्याण अधिकारी हुआ, युवा विकास कल्याण अधिकारी, ठीक है, या वीडियो के पेपर हुए, या अन्य परीक्षाएं जो हुई, उनमें हिंदी का एक अलग स्वरूप मिल रहा है। हिंदी व्याकरण सिर्फ आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि अब सिलेबस में जो कक्षा 10 स्तर की परीक्षाएं होती हैं, 12 स्तर की और ग्रेजुएशन की जो होती हैं, मतलब जितनी परीक्षाएं इसके समकक्ष आती हैं, उन सभी में अब थोड़ा सा हिंदी के लेवल में आपको बदलाव देखने को स्पष्ट रूप से झलकता है। यहां पर क्या चीजें हैं, यहां पर जितनी चीजें मैं आपसे शुरुआत करने जा रहा हूं, यानी हिंदी विषय के संबंध में, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोग यहां पूरा वन से शुरू करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, यानी जितने आपके टॉपिक्स हैं, जितने भी आपके मतलब पाठ्यक्रम के अंतर्गत पूरे चैप्टर हैं, सभी चैप्टर को, सभी बिंदुओं को हम लोग यहां कवर करेंगे, ठीक है। ऐसा हमें नहीं सोचना है कि अलंकार नहीं पढ़ना है, कि हमें रस छंद नहीं पढ़ना, क्योंकि सब कुछ यूपीएसआई में इन सभी से संबंधित प्रश्न होंगे, तो उसके लिए तैयार करना। राजस्व वाला, चूंकि ये अभी 20 मार्क्स की जो है इंटरव्यू इसमें होता था यूपी ट्रिपल एससी के जरिए, जो राजस्व लेखपाल आना है, तो इस पर एक नया सिलेबस तय होगा, उसमें हिंदी, आप जानते हो कि राज्य सरकार में अगर आपको बैठना है तो हिंदी आपके लिए बहुत ही कंपलसरी विषय हो चुकी है, ठीक है। तो अनिवार्य विषय जो हिंदी है, आज मैं हिंदी से आपसे शुरुआत कर रहा हूं। हिंदी विषय जो आपको जितने बारे में अगर देखा जाए कि क्या क्या हमें पढ़ना होता है, तो उन सभी के बारे में आप लोग जानते हैं। हाँ, थोड़ी सी चीजें मैं आपका ध्यान यहां आकर्षित करूंगा। जैसे एक तो इसमें भाषा का इतिहास पूछता है कि हिंदी भाषा है तो इसका ये इतिहास से संबंधित प्रश्नों को, एक आध प्रश्नों को, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज, भाषा के इतिहास के बाद इसमें साहित्य भी आ जाता है, साहित्य का इतिहास भी पूछ लेता है, कवियों से संबंधित सवाल होते हैं, रचनाकारों से संबंधित सवाल होते हैं, इनसे भी सवाल आपका पूछता ही पूछता है। तीसरी बात, जब हम मुख्य रूप से व्याकरण में आते हैं, तो मुख्य रूप से व्याकरण में सबसे पहले इसमें शुरुआत होता है आपका वर्णमाला से। वर्णमाला के बाद दूसरा जो इसका पॉइंट, अगला पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है वर्तनी का। वर्तनी के बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसका संधि का, वर्णों का मेल जो होता है, यानी संधि होता है। फिर अगले पॉइंट में ये इसमें जो पूछा जाता है, फिर अगला पॉइंट आपका बन जाता है शब्द का। शब्द की जो है उत्पत्ति कितने तरीके से है, रचना कितने तरीके से है, मतलब यह पॉइंट आपका बहुत डीप हो जाता है, ठीक है। सबसे व्यापक और सबसे ज्यादा सवाल किसी भी परीक्षा में शब्द से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों से इसकी रचना होती है। 5 से 6 प्रकार की इसकी रचना होती है, हम आगे पढ़ेंगे, तो उनमें इससे बनने वाले सवाल सबसे ज्यादा होते हैं हिंदी में, ठीक है। इसका बहुत व्यापक रोल है, आगे हम लोग देखेंगे। शब्द के बाद फिर शब्दों में, ठीक है, एक अगला जो पॉइंट हमें पढ़ना होता है, वह पढ़ना होता है समास, ठीक है। समास जब आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसी में थोड़ा सा अगर मैं शब्दों के बारे में डिटेल से अगर आपको बताऊं, तो शब्दों के अलावा आपको जो है लिंग अच्छे से पढ़ना है, फिर वचन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इसी में आपका कारक भी आता है, कारक को बहुत ढंग से पढ़ना है, और जो है कारक के बाद आपको अव्यय बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूरी चीजें अव्यय को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत डीप पॉइंट पूछता है।
निपात को आपको पूरा बहुत ढंग से कवर करना है, ठीक है। निपात के साथ साथ ही आपको जो है पक्ष भी आना चाहिए, क्रिया के पक्ष आपसे पूछता है, ठीक है। और पक्ष के साथ साथ वृत्ति से भी अब सवाल जो है क्रिया की वृत्ति क्या होती है इससे भी सवाल देखने को मिलने लगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो है भाव भी पता होने चाहिए, ठीक है, इससे भी सवाल होते हैं। तो ये मतलब मूल मूल आपके चीजें हैं जिनसे, उसके बाद आपको समास अच्छे से पता होना चाहिए, समास से भी सवाल होता है। समास के बाद फिर जो है हम लोग रस को भी कवर करेंगे, उसके बाद छंद को भी देखेंगे, रस छंद, और साथ ही साथ आपको अलंकार के बारे में भी यहां पर परिचर्चा हो जाएगी। इसके अलावा ठीक है, अगला जो पॉइंट जहां से सवाल बनता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हम लोग यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, लोकोक्तियां हो गई, लोकोक्तियां यानी समाज में जो कुछ चलती हैं। और अगला जो पॉइंट बनता है वह पॉइंट होता है मुहावरे का, यानी मुहावरे को भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, कौन सा किसके लिए आता है। तो अनेक शब्द हो गया, इसी में आपका जैसे शब्दों में ही विलोम शब्द हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, इन सभी से सवाल भी आपके आते ही रहते हैं, इसीलिए मैंने उसको अलग से नहीं लिखा, पर्यायवाची हो गया वो सारी चीजें। हाँ, अनेक शब्द इसके अलग है इसलिए यहां पर मैंने परिचर्चा की है। फिर लोकोक्तियां हो गया, मुहावरे हो गया, ठीक, रसछंद अलंकार हो ही गया है। उसके बाद फिर इसमें देखें तो एक आध चीजें आपकी और बाकी रह जाती हैं, जैसे शुद्धि अशुद्धि का बहुत बड़ा रोल होता है आपका, ठीक है। शुद्धि जो है उनको पहचानना, वाक्यों को पहचानना, तो अभी वाक्य भी इसमें मैंने नहीं बताया है। एक आपका अगला पॉइंट तो वाक्य होता है, तो 22 नंबर इसमें जो बनता है शुद्ध, इसमें शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों को आप पहचानना सीखिए। उसके बाद वाक्य के प्रकार भी इसमें आपके सिलेबस में शामिल है, और इसके साथ ही साथ जब आप वाक्य करना सीख जाते हैं, ठीक, तो इसके अंतर्गत एक पॉइंट और हम चाहें तो रख सकते हैं, वो आपका होता है आपठित गद्यांश, ठीक है। आप पठित आपका जो गद्यांश है, यह गद्यांश भी आपके जो है सिलेबस में शामिल है, जैसे वन रक्षक की जो परीक्षा है उसमें आपठित गद्यांश आना ही आना है, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट लगभग आपको कवर करने, अभी मैंने इसको बहुत ढंग से नहीं बताया है, नहीं तो ये है अपने आप में, मैंने बताया कि सब कुछ आप सिलेबस एक तरफ रख दीजिए और शब्द को एक तरफ रख दीजिए, बराबर आपको प्रश्न इसमें मिलेंगे। तो हिंदी के मुख्य रूप से इतने चैप्टर होते हैं जिन पर हमें पॉइंट वाइज करते हुए सभी पर बात करनी है। तो पूरी डिटेल क्लासेस में बताऊंगा कि हिंदी में क्या चीजें कैसे पढ़नी, क्योंकि अब आपको कंसंट्रेट हो जाना है, आपके सामने राजस्व जो लेखपाल की भर्ती है यह परीक्षा बहुत जल्द ही जो है दिखने वाली है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश एसआई की होगी, या जो आपकी पुरानी परीक्षाएं लगी हैं वो सबकी सब अपडेट होंगी, ठीक है, क्योंकि पुरानी परीक्षाओं को कराने का सरकार पर क्यों लोड होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव भी है, ठीक है। यहां पर चीजें इसलिए फास्ट होंगी क्योंकि चुनाव भी है, तो ये आपके लिए भी अच्छा मौका है और जो है एक अपने जो है भविष्य के लिए अच्छा निर्णायक कदम यही साबित होगा कि आप सारी चीजों के लिए अभी से कंसंट्रेट हो जाएं, अपने आप को केंद्रित करिए और पढ़ाई में पूरी तरीके से रम जाइए, ठीक है। तो चलिए आज मैं शुरुआत कर रहा हूं आपसे, इन दो पॉइंट्स को मैं अभी छोड़ रहा हूं, भारत जो भाषा का इतिहास है और जो है साहित्य का इतिहास है, इसको सबसे अंतिम में रखूंगा ताकि वहां से चाहिए, क्योंकि इससे जो प्रश्न होते हैं भाषा के इतिहास से उतनी चीजें बीच में ही मैं कवर करा दूंगा कि जहां से आपके पूरे प्रश्न हो जाने हैं। साथ ही साथ जो साहित्य का इतिहास है इसमें अंतिम में सबसे जो है इसको कुछ चीजें मैं बताऊंगा जो पढ़ाया जा सकता है, और बाकी चीजों के लिए मैं आपको पर्याप्त नोट्स दूंगा। इसमें दोस्तों जितनी चीजें मैं आपको हर एक लेक्चर में बताऊंगा उसकी पर्याप्त नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दी जाएगी, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी कोशिश वैसे होगी कि जो आपका चैप्टर मैं खत्म करवाऊं उस चैप्टर से संबंधित जितने सवाल आपके अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सारे सवालों पर भी मैं परिचर्चा करूं, तो जितनी कोशिश हो पाएगी उतनी चीजें मैं करता रहूंगा, ठीक है, वैसे वैसे सारी चीजें आपको उपलब्ध होती रहेंगी। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहला चैप्टर आपका हिंदी का, और हिंदी का वह जो चैप्टर है आपका वो क्या होगा आज के परिपेक्ष में, आज हम लोग परिचर्चा करेंगे व्यापक रूप से हिंदी वर्णमाला पर, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला की मैं शुरुआत कर रहा हूं आप सभी के सामने, बहुत अच्छे से आप लोग लग जाएं, क्योंकि ये जो आपका वर्णमाला का चैप्टर है ना, जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी, वहां सबसे ज्यादा शब्द के बाद वर्णमाला पर ही फोकस बनता है, ठीक है। वर्णमाला के जो प्रश्न होते हैं वह काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और यह एक ऐसा आपका छोटा सा पोर्शन है जहां से हमें सबको शुरुआत करनी है,
लेकिन गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा इसी से बनते हैं। तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाए, मैं आपको उस अनुरूप पढ़ाऊंगा जो वर्तमान में UPSSC जैसी संस्थाओं में पूछा जा रहा है, उसके अनुरूप हम लोग हिंदी पर कवर अपना करना शुरू करेंगे। तो हेडिंग आप डाल सकते हैं वर्णमाला की, वर्णमाला ठीक है क्या? सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप यहां पर दिमाग आपको क्या लगाना है कि वर्णमाला पढ़ने से पहले हम हिंदी भाषा में थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। वर्णमाला में शुरुआत क्यों कर रहा हूं, क्या यह हिंदी का सबसे अंत है कि हिंदी का सबसे ऊपरी सिरा है, इसको जानना भी जरूरी है। देखो ध्यान दीजिए सारे लोग, जब हम बात करते हैं भाषा की, भाषा जो है यह सबसे बड़ी इकाई होती है, ठीक है, भाषा सबसे बड़ी इकाई होती है। उसके साथ ही साथ जब हम इसमें भाषा से नीचे बढ़ते हैं तो भाषा से नीचे जो इकाई आती है, ठीक है, वह होती है आपके वाक्य की। भाषा से नीचे क्या है, वाक्य आते हैं। मतलब अभी जब इसको आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे जब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ करेंगे। भाषा जो हम आप बातचीत कर रहे हैं यह भाषा हो गई हमारी। भाषा का जब छोटा रूप देखते हैं तो वाक्य होता है उससे जस्ट नीचे। वाक्य से छोटा रूप जब हम देखते हैं तो उपवाक्य होता है। यह क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां से अभी बहुत पॉइंट आपके साथ जो है मुझे चर्चा करनी है। उपवाक्य से नीचे जब आप बढ़ोगे तो इससे नीचे इसका जो पॉइंट होता है वह पदबंध का होता है, ठीक है, पदबंध आते हैं। पदबंध से नीचे जब आप बढ़ोगे यहां पर तो पदबंध से नीचे जो आता है वह पद होता है या शब्द होता है। पद या शब्द से नीचे जब आप बढ़ोगे इसके बाद, ठीक, कि आखिर पद हो गया या शब्द हो गया, तो इन दोनों के बाद आपका कौन सा बनता है, वहां पर बन जाता है क्या, अक्षर। इससे निचली इकाई जो होती है वह अक्षर की होती है। अक्षर के बाद आपका इससे जो छोटी इकाई होती है वह वर्ण की होती है। समझ गए, सबसे छोटी इकाई जो होती है वह वर्ण की होती है। ये वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपने समझने की दृष्टि से इसको ध्वनि बोलते हैं। वर्ण क्या है, जो मैंने बोला आपने सुना या वर्ण है, कैसे सुना आपने। अब इस चीज को थोड़ा सा आप जो है अच्छे से अपने दिमाग में इसकी इमेज बना लीजिए, उसके बाद मैं शुरुआत कर रहा हूं आपके हिंदी पर। यानी सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण है या ध्वनि है, जो हमारे कर्ण पल्लों में पड़ी हमने सुना वह क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती। उसके बाद इससे बड़ी इकाई होती है अक्षर, ना क्षरति इति अक्षरः। अक्षर की परिभाषा क्या है, जिसका क्षरण ना हो, जो आपका मिट नहीं सकता वह अक्षर है। उसके बाद ऊपर, अक्षर से ऊपर जब आप बढ़ते हो तो वह पद या शब्द कहलाते हैं। उससे ऊपर बढ़ते हो तो पद या कई शब्दों का समूह आपका पदबंध कहलाता है। उसके ऊपर जब आप बढ़ते हैं तो पदबंध से ऊपर जब कई पदबंध आपस में मिल जाते हैं तो वह उपवाक्य कहलाता है, और जब कई उपवाक्य आपस में मिलते हैं तो वह वाक्य बनाते हैं, और जब कई वाक्य मिलते हैं तो उससे भाषा का निर्माण होता है। समझ गए, तो यह है नीचे से ऊपर की आपकी क्या है, छोटी छोटी सीढ़ियां हैं जिनके माध्यम से हम सबसे बड़ी सीढ़ी पर पहुंचते हैं। तो अब आप सबसे निचली जो है सीढ़ी से हम आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जो सीढ़ी आपकी क्या है, वर्णमाला, क्योंकि इसको बिना पढ़े हम ऊपर की ओर नहीं चढ़ सकते। हम ऊपर से नीचे की ओर तो उतरेंगे नहीं, हमें नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना है तो सबसे पहले हमें वर्ण या ध्वनि को जानना होगा, फिर अक्षर को जानना होगा, फिर पद या शब्द को जानना होगा, फिर पदबंध को जानना, फिर उपवाक्य को, फिर वाक्य को, फिर भाषा को, ठीक है। इसीलिए मैंने भाषा का इतिहास जो है सबसे पहले आपको, आपके लिए रोक के रखा कि इसको सबसे अंत में मैं आपको पूरी चीजें अच्छे से बताऊंगा, विधिवत बताऊंगा, जब हमें सारी चीजों के बारे में ज्ञान हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने शुरुआत कर रहा हूं हिंदी वर्णमाला की, और वो भी पूरे व्यापक तौर पे। देखिए सबसे पहली चीज आती है वर्णमाला है क्या। वर्णमाला भाई वर्णों का समूह है। किसका, वर्णों का समूह आपका वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का जो समूह होगा वह वर्णमाला होगा। अब बात आती है वर्ण क्या है, मैंने बताया यहां लिखा भी ध्वनि। जैसे आपने बोला क्या, मेरा नाम है रमन, ठीक है, मेरा नाम है रमन। अब रमन हमने कानों में सुना क्या या पूरा, अब एक ये क्या है, शब्द है, लेकिन इसमें जब हम शब्द से नीचे बढ़ने लगे अक्षर, तो यहां देखिए, ठीक है, रा है, मा है और ना है, ये अक्षर हो गया। लेकिन हम जब वर्ण इसमें देखने लगे, यानी हमें इसमें कितनी ध्वनि सुनाई देती है, तो देखो रा में आ जुड़ा हुआ है, मा में भी आ जुड़ा हुआ है,
और ना में भी आ जुड़ा हुआ है। यानी यहां वर्ण कितने हैं, यहां वर्णों की संख्या आपकी छह है लेकिन अक्षर कितने हैं, तीन है, शब्द आपका एक निर्मित हुआ। तो यहां आप एकदम क्लियर हो जाइए, एकदम यहां मस्तिष्क अपना जो है जोर दीजिए कि जो वर्ण होते हैं, ध्वनि होती है, ध्वनियों को हम सुनते हैं, इनकी संख्या हमेशा ज्यादा होती है। एक छोटे से आपने उदाहरण में देखा कि अगर किसी का नाम है उसमें भी आपको कितने ध्वनि जो मिल रहे, वर्ण जो मिल रहे, वर्णों की संख्या हमेशा ज्यादा होती। हलंत जहां लग जाता है वहां मतलब क्या हो गया कि वहां पर आ या स्वर का उच्चारण नहीं रह गया उसमें। तो यहां आपने देखा कि जो एक शब्द हुआ उस शब्द में अक्षर तीन आए लेकिन जब हम वर्ण की बात करने लगे तो वर्णों की संख्या छह हो गई। अब आपको एक चीज कंफर्म हुआ कि वर्ण या ध्वनि है क्या। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं कि जो वर्णमाला है इस वर्णमाला में हिंदी के आपके क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होती है। तो चलिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके अगले स्टेप की, जिस स्टेप में हमें पढ़ना है कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हमें किन किन चीजों को पढ़ना होता है, परीक्षा की दृष्टि से हमारे क्या क्या जो है चीजें इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब मैं शुरू कर रहा हूं। वर्णमाला जो है हमारी, वर्णमाला आप सारे लोग जानते हो कि हिंदी की जो वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला में सामान्य तौर से जब आप लिखते हो तो आप 52 वर्णों को लिख जाते हैं। ठीक है, हिंदी की वर्णमाला में 52 वर्ण आपके आते हैं। इसमें 52 वर्णों में अगर हम मतलब सीधा सीधा बिना कुछ सोचे अगर देखे तो पहली चीज इसमें बनती है स्वर, और दूसरा जो प्रकार बनता है वह बनता है व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन हमने लिखना, जब हमने लिखना शुरू किया तो हम स्वर और व्यंजन को लिखते हैं, स्वर को अलग लिखते हैं और व्यंजन को अलग लिखते हैं। स्वर में हम 13 को लिख जाते हैं और व्यंजन में हम जो है बाकी बचे 39 को लिख देते हैं। तो ये सभी मिला के आपके क्या बन जाते हैं, स्वर और व्यंजन मिला के वर्णमाला बन जाते हैं जो कि हिंदी वर्णों में 52 हो जाती है। समझ गए, ये एक छोटा सा चीज रहा। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी क्या आपके ऐसे सवालों को उठाती है, यूपीएसआई आपके ऐसे सवालों को उठाएगी? बिल्कुल नहीं। वहां पर थोड़ा सा आपका जो बदलाव होता है यानी व्याकरण की एक अच्छी दिशा से सवाल उठाए जाते हैं। अब उस परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं कि आखिर स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ऐसे सवाल आपसे अब जो है यूपी ट्रिपल एससी पूछने लगा है। तो ध्यान दीजिए सारे लोग कि वैसे तो 52 है हिंदी में आपके पूरे, लेकिन 52 के अलावा ठीक है मुद्रण के आधार पर देखो तो 3-4 चीजें बढ़ जाती हैं, वर्ड वहां बढ़ जाते हैं, तो 55 भी आपको लिखा मिल सकता है। ठीक, लेकिन उन सबसे मतलब नहीं है। हमें यहां पर जो मतलब है कि हिंदी वर्णमाला में जब हम बात करेंगे तो वर्णमाला जो आपकी है यहां पर आपको अच्छे से डिफाइन क्या होगी, एक तो आपका प्रकार बन जाता है स्वर, दूसरा बन जाता है व्यंजन, और तीसरा क्या बनता है, तीसरा बन जाता है, आप यहीं पर चाहें तो इसको रख सकते हैं स्वर, फिर विसर्ग, और तीसरा रख सकते हैं व्यंजन, या स्वर व्यंजन और विसर्ग के तौर पर इनको आप अलग अलग जो है विभेद कर सकते हैं इनमें। अब स्वर व्यंजन और विसर्ग तीन जो है श्रेणियां यहां बन के हमारे सामने आती हैं। स्वरों में जब हम बात करते हैं स्वर होते क्या हैं, तो स्वर की सामान्य सी परिभाषा है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें ठीक है बहुत कम समय लगे, ठीक है, या जिनका उच्चारण ऐसा आप समझिए जो अस्पष्ट रूप से परिभाषा है जो आपको परीक्षाओं में मिलेगी, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, एक प्रवाहमान ढंग से होता है, उन वर्णों को हम स्वर बोलते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से उच्चारित जितने वर्ण हैं वह सारे वर्ण आपके स्वर के अंतर्गत आएंगे। अब बात होती है व्यंजन क्या है। देखिए व्यंजन वह वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, मतलब स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण आपके व्यंजन कहलाते हैं। चलिए तो हम देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वह वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच में होता है, ऐसे वर्णों को अयोगवाह की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे अंग और अहा, ठीक है, इन दोनों को अयोगवाह। लेकिन अभी जो यूपी ट्रिपल एससी आपका जैसी परीक्षाएं जो पूछती है उस अनुसार अगर हम देखें, ठीक है, तो अभी भी स्वर के व्यापक भेद को हमें देखना है, व्यंजनों के व्यापक भेद को देखना है, और इनकी अयोगवाह की परिभाषा को भी हमें एक बहुत अच्छे लेवल से
क्लेरिफाई करना है, अपने आप को बहुत अच्छे दिमाग से देखना है। अब मैं स्वर्ग में उठा रहा हूं, एक एक पॉइंट करके हम लोग चल रहे हैं कि आखिर स्वरों के जो भेद हैं आजकल परीक्षाओं में किस अनुसार पूछे जाते हैं, उच्चारण के आधार पर हमें समझना है मात्रा, क्योंकि स्वरों की मात्रा होती है तो मात्रात्मक रूप में कैसे क्या होते हैं। देखो वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वो तो हम सबसे बाद में पढ़ेंगे, सबसे अंत में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें क्या जानना है। अभी चलिए अब हम बात करते हैं स्वरों के बारे में, यानी जो स्वर वर्ण है। क्या जैसा मैंने आपको बताया जैसे परिभाषाएं रहे इस प्रकार से पूछता है, कदापि नहीं। स्वरों में भी अब आपसे जो सवाल पूछने को मिलते हैं, सवाल देखने को जो मिलते हैं, उनका थोड़ा सा जो मतलब पूछने का तरीका है वह अलग होता है। जैसे अभी तक हम क्या पढ़ते हैं कि हर्ष जो है जो मात्राओं के आधार पर आपको स्वरों की, चूंकि मात्राएं होती है, मात्राओं के साथ साथ इसमें जो हमें उच्चारण का समय लगता है उस उच्चारण के समय के अनुसार भी इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे उसमें बोल देते हैं कि एक मात्रिक स्वरों के अंतर्गत हम हर्ष स्वरों को रखते हैं, ठीक है। हर्ष स्वर वह होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। दूसरा द्विमात्रिक स्वर इसमें आते हैं, द्विमात्रिक स्वर के अंतर्गत वह स्वर रखे जाते हैं जिनके उच्चारण में जो है हर्ष से ज्यादा समय लगता है, इनको जो है दीर्घ स्वर की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। जैसे इसमें हर्ष स्वरों में आपके जैसे आ वर्ण हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ठीक है, री हो गया, इन सारे वर्णों को हर्ष के अंतर्गत रख दिया गया। जब द्वि मात्रिक स्वरों को देखते हैं यानी दीर्घ स्वरों को देखते हैं तो इनमें आपका जैसे जो है आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, ए हो गया, इन सारे को रखते हैं। साथ ही साथ जो तीसरा इसका प्रकार बनता है उसे तीसरे प्रकार में ऐसे वर्णों को रखा जाता है जिनको हम त्रिमात्रिक भी बोलते हैं, यानी जिनको बोलने में आपके दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, इन वर्णों को प्लुत स्वर के अंतर्गत रखा जाता है, ऐसा हम पढ़ते थे अभी तक। यानी जहां पर डमरू वाले निशान मिल जाए उन सारों को हम क्या बोलते थे, उन सभी को हम बोलते थे कि त्रिमात्रिक स्वर या प्लुत स्वर के अंतर्गत ये आ गए। क्या वर्तमान परिस्थितियां, वर्तमान आपने पेपर UP SSC के देखे होंगे, उनमें विभिन्न परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले, नहीं मिले होंगे। अब चीजें बदल चुकी हैं, हम नए पैटर्न पर जैसा सवाल पूछ रहा है अब उस अनुसार मैं आपसे बात करने जा रहा हूं स्वर में। तो अब आपको थोड़ा सा जो है अपने आप को गंभीर बना लेना है, क्योंकि यहां से वर्णमाला मैंने बताया कि जहां पर भी जो प्रश्नों की संख्या है ये प्रश्नों की संख्या पर डिपेंड होते हैं यहां से प्रश्न पूछना। अगर प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी है किसी पेपर में तो आप मान लीजिए कि सबसे पहला वर्णमाला से ही वहां मिनिमम 5 तो बन ही जाते हैं। इसीलिए ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन प्रश्न के बनने की जो संभावना होती यहां से सबसे ज्यादा होती है। तो अब जो आपका स्वर पूछता है उसके अनुसार देखिए अब जब हम स्वर के बारे में बात करेंगे तो स्वर के जो तीन प्रकार बनते हैं उनमें कौन कौन से प्रकार आते हैं, कई लोगों के दिमाग में चीजें आ चुकी होंगी, ठीक है, कि स्वर के अब जो वर्तमान प्रकार बन रहे हैं उनमें कौन कौन सी चीजें चल रही है। देखिए सबसे पहली चीज आती है हर्ष स्वर की, ठीक है। अब हर्ष स्वर को आप सारे लोग जानते हैं इनकी संख्या कितनी है, ठीक है, इनकी संख्या आपके चार है, आ है, ई है, ऊ है और री है, ये चारों आपके हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा स्वर होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत भी आपके कितने हैं। अब पहले तो हम पढ़ते थे कि 11 स्वर कुल हैं और 11 में बाकी जितने बसते हैं वो सब दीर्घ के अंतर्गत आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दीर्घ में अब जो आपके बसते हैं, ठीक उससे पहले, दूसरे पॉइंट से पहले मैं आपको एक और स्वर के बारे में बात कर ले रहा हूं जो आजकल जो है आपका बहुत जरूरी है, संयुक्त स्वर। अभी तक आप जो है संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ते थे लेकिन अब आपको संयुक्त स्वर के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। संयुक्त स्वरों की संख्या आपके चार है, ए, ए, ओ और औ, ये जो चार होते हैं इन चारों को संयुक्त स्वर में रखा जाता है। वीडियो जैसी परीक्षाओं में इससे सवाल आपके बने थे और आगे भी आने वाली परीक्षाओं में सवाल बनेंगे। अब यहां आपने देख लिया चार यहां चले गए, चार यहां चले गए, बाकी जितने बच रहे उन सभी को यहां लिख दो, वो आपके क्या हो गए, वो सभी आपके किसके अंतर्गत आएंगे, दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएंगे। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है मुख्य रूप से, तीन, और इसकी संख्या आपके हर्ष स्वर की चार है और संयुक्त स्वरों की संख्या आपके
चार हो गई, तो चार और चार आठ और तीन ग्यारह स्वर बनते हैं, लेकिन उन स्वरों में हर्ष स्वर होते हैं, दीर्घ होता है और संयुक्त स्वर होता है। तो इस चीज को जरूर आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बार बार आप गलतियां करेंगे। जैसे सवाल पूछ लिया कि दीर्घ स्वर निम्न में से कौन सा है, अब तीन ऑप्शन ये रखा, चौथा जो है इसमें से ऐसा पूछ लिया कि निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, तीन ऑप्शन मान लीजिए इसके रख लिया, या दो ऑप्शन इसके रखा, एक इसका रखा और एक इसका रख दिया, वहीं आप कंफ्यूज हो गए। ठीक, वहीं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने तो पढ़ा है कि संयुक्त स्वर में नहीं, ये सब दीर्घ स्वर के ही भाग हैं, तो वहां गलत हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको समझना है कि संयुक्त स्वर अलग होते हैं, दीर्घ स्वर आपके अलग होते हैं। अब मैं आपसे आगे बात करने चल रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मैंने विसर्ग के बारे में आपसे चर्चा किया था, तो स्वरों के बाद चूंकि उनका स्थान स्वर और विसर्गों के जो है व्यंजन के बीच में आता है विसर्ग का स्थान, तो विसर्ग से संबंधित कुछ आपकी परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हम लोग धीरे धीरे एक एक करके देखते हुए चलते हैं, क्योंकि परिभाषाओं से संबंधित नए ट्रेंड में सवाल ज्यादा बनने लगे। तो अब हम लोग विसर्ग के बारे में व्यापक रूप से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक सवाल इसी पर बना था कि विसर्गों का स्थान कहां पर है। तो विसर्ग जब आप स्वर को आ से लेकर पढ़ना शुरू करते हैं और उस अंक आहा से पहले जब आप रहते हैं, अंक आहा ही तो हमारे विसर्ग हैं, तो ये स्वरों के जस्ट बाद और व्यंजन की शुरुआत होने से पहले पड़ जाते हैं, यानी इनका स्थान स्वरों और व्यंजनों के बीच में पड़ता है। इससे भी एक छोटा सा प्रश्न आपका बना था, क्योंकि यूपीएससी अब आजकल जो है भाषाओं पर सवाल ज्यादा पूछती है, व्याकरण पर क्वेश्चन सीधा सीधा जो क्वेश्चन होते हैं वो कम आते हैं, अब थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। इसीलिए हिंदी वर्णमाला आपको एक बेहतरीन ढंग से पढ़नी पड़ेगी और अच्छी तरीके से पढ़नी पड़ेगी, जैसा कि मैं आपके सामने पूरी चीजें एक एक करके पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, विसर्ग में मुख्य रूप से अगर देखा जाए, यह जो वर्ण होता है इसका योगदान हिंदी व्याकरण में बहुत कम है। हिंदी भाषा में व्याकरण जो है आपका विसर्गों का योगदान एकदम खत्म है, लेकिन जब आप तत्सम शब्दों को पढ़ते हैं, जहां पर भी संस्कृत आ गई वहां विसर्ग का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगता है। ठीक है, बिना आहा की उच्चारण के आप देखिए संस्कृत में बहुत सारे शब्द आपको नहीं मिलेंगे, तो वहां विसर्गों का सबसे व्यापक प्रयोग संस्कृत जैसी जो है भाषाओं में होता है, लेकिन जब हम बात करने लगते हैं हिंदी में, तो हिंदी में केवल तत्सम शब्दों में ही इनका प्रयोग मुख्य रूप से बसता है। अन्य बहुत सारी जो है परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं से चूंकि सवाल लाए हैं, इस वजह से मैं एक एक चीजों को लेकर चल रहा हूं। परिभाषाओं को समझते रहिए, उनकी व्याख्या को अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में व्यंजन पर बात करेंगे और फिर बात करेंगे इनके उच्चारण स्थान पर। तो उच्चारण स्थान से पहले एक एक चीज है, देखिए ध्यान दीजिएगा सारे लोग। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं। ठीक है, अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं, क्योंकि यह सवाल आपसे पूछा है कि अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं, इनकी परिभाषाओं से संबंधित सवाल होता है। चलिए आप लोग मन में एकदम सोचिए कि अनुनासिक वर्ण आपके क्या होते हैं। अनुनासिक वर्ण की देखो पहली चीज तो यह पूछा है कि इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है। तो अनुनासिक वर्णों का चिन्ह हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चांद बिंदी आप इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, यह आपके अनुनासिक वर्णों की पहचान होती है। जो आप चांद बिंदी का चंद्र बिंदु का इस्तेमाल करते हैं, यह चंद्र बिंदु अनुनासिक जहां वर्ण आते हैं वहां पर इनका जो है प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, जब इनके उच्चारण से संबंधित हम प्रश्न जो है वो देखने लगते हैं कि अनुनासिक वर्णों को अलग किस पर किया गया, क्योंकि आप देखते हैं कहीं कहीं चंद्रबिंदु लगे हैं और कहीं कहीं जो है एक सिंगल बिंदु लगी होती है, ऐसे बिंदी लगी है, तो ये चीजें कहां पर हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए सारे लोग, अनुनासिक वर्ण ऐसे होते हैं जिनका जो उच्चारण होता है यह उच्चारण किसके आधार पर हो, यह उच्चारण जब हम करने लगे तो नाक और मुंह दोनों से अगर वायु निकल रही है, नाक और मुंह दोनों से अगर वायु निकल रही है, तो वहां आप समझ जाएं कि यह वर्ण जो है यह कैसा है, अनुनासिक वर्ण है। समझ गए, अनुनासिक वर्णों में हमेशा जो उच्चारण होता है वो उस उच्चारण में वायु नाक और मुंह दोनों के द्वारा निकलती है। ठीक, जैसे आपके सामने अगर मैं कुछ उदाहरणों को रखूं, तो उदाहरणों में जो सबसे बड़ी चीज आती है, ध्यान दीजिए सारे लोग, जैसे कुछ मैं शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, जैसे हो गया गांव, ठीक है, दांत। अब इन सभी को आप देखिए,
दांत का उच्चारण करिए, गांव का उच्चारण करिए, इनमें जो समय लगेगा वह समय बहुत कम लगता है उच्चारण में। इसमें जो समय लगता है वह समय बहुत कम लगता है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा अनुनासिक वर्णों में। अब अनुनासिक के बाद क्या आता है, अनुनासिक के बाद दूसरा जो हमारा वर्ण आता है वह वर्ण होता है निरनुनासिक। ठीक है, निरनुनासिक। अब जाहिर सी बात है कि निरनुनासिक जब इसके बाद वर्ण आया तो जहां पर भी आप ध्यान रखिएगा अनुनासिक हो गया। अब दूसरा वर्ण आपके सामने आ रहा है निरनुनासिक। ठीक है, निरनुनासिक, इसमें वर्ण क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में सोचिए कि निरनुनासिक वर्ण क्या होते हैं। देखो निर का मतलब होता है बिना, ठीक है, अनुनासिक यानी जिनमें नासिका का इस्तेमाल ना हो, बिना नाक की सहायता से जिन वर्णों को हम बोल ले जाए वो आपके क्या होते हैं, निरनुनासिक वर्ण होते हैं बिना नाक की सहायता से। ठीक है, तो हमेशा इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर सीधा सीधा परिभाषा इसकी देखें तो सीधा परिभाषा यह होगी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण केवल मुंह से होता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण केवल मुंह से हो, उन सारे वर्णों को हम किस के अंतर्गत रखते हैं, उन सारे वर्णों को निरनुनासिक वर्णों के अंतर्गत पढ़ते हैं। समझ गए, तो ये अनुनासिक क्या हो गए, निरनुनासिक क्या हो गए, दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। अनुनासिक में ऊपर जो है चंद्रबिंदु, जो है चंद्रबिंदु का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद अगली जो है पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। मैंने आपसे बात किया था कि अगर कहीं पर एक बिंदी रखी हुई है सिंगल सी, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, उस बिंदी को क्या बोलेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा उस बिंदु को बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, वो जो बिंदी लगाई जाती है वह अनुस्वार कहलाती है, ऐसे। ठीक है, कोई वर्ण लिखा गया तो उसको अनुस्वार बोलते हैं। अब अनुस्वार की परिभाषा जब आपसे कहा जाएगा कि अनुस्वार की परिभाषा क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई भी वर्ण, ऐसा कोई भी वर्ण जिसका उच्चारण करते समय वायु कहां से निकले, नासिका से निकले, नाक से निकले। ठीक है, उसके ऐसा वर्ण, कोई भी वर्ण जिसका उच्चारण करते समय वायु कहां से निकलनी चाहिए, वायु नाक से निकलनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु किससे निकलती है, नाक से निकलती है, उस वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वर्ण को हम लोग अनुस्वार वर्ण की संज्ञा देते हैं। समझ गए, अब आगे मैं बढ़ता हूं। इसके बाद अनुस्वारों में जैसे आपको मान लीजिए कि शब्दों को देखना हो, उदाहरण को देखना हो, तो जैसे मैं उदाहरण आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है, कंकड़ हो गया, अंगूर लिखना है आपको तो अब भी आप नी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा समय जो है ज्यादा लगता है, अनुनासिक की अपेक्षा इसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल होता था, इसमें केवल नाक का इस्तेमाल होता है। निरनुनासिक में केवल मुंह का इस्तेमाल होता है, इसमें केवल नाक का इस्तेमाल होता है। तो दोनों में डिफरेंस से संबंधित इन सारी परिभाषाओं को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इन डिफरेंस से हमेशा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जब नए क्वेश्चन फ्रेम करता है तो उसमें इसी सभी पर आधारित प्रश्नों को वह बनाता है। अब मैं बात करता हूं इससे आगे, जस्ट अनुस्वार के बाद जो अगली चीज आती है परिभाषाओं में। ठीक है, ये परिभाषाएं थोड़ी सी जरूरी है, इसीलिए मैं आप सभी के सामने इन पर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अगला जो पॉइंट आपका बनता है वह पॉइंट बनता है विसर्ग का। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग, जैसे अंक आहा को अयोगवा बोला गया ना, अंक और आहा को अयोगवा बोला गया, तो अंक को अनुस्वार बोलते हैं, अंक को जो है अनुस्वार बोलते हैं, और जो आहा होता है इसी को विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, जो आहा है इसको विसर्ग बोलते हैं, और विसर्गों में मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल संस्कृत भाषा में बहुत व्यापक होता है। अपने यहां कहां पर होगा, क्योंकि संस्कृत के शब्द हमें तत्सम शब्दों में मिलते हैं, अतः इसका जो प्रयोग होता है वह प्रयोग व्यापक रूप से तत्सम शब्दों में ही दिखाई देता है। समझ गए, अब विसर्ग क्या होते हैं, विसर्ग आपके ऐसे वर्ण होगा। ठीक है, इसका वर्ण क्या, विसर्ग में विशेष आप सारे लोग जानते हैं आहा को ही जो है विसर्ग की संज्ञा में रखा गया है, तो इसका इस्तेमाल हिंदी में बहुत कम, लेकिन हिंदी के जब तत्सम शब्द पढ़ते हैं वहां पर ज्यादा मिलता। उसके अलावा जब हम संस्कृत विषय पढ़ते हैं तो संस्कृत विषय में इससे संबंधित व्यापक प्रयोग होता है। तो
इतने सारे पॉइंट हो गए, हमने विसर्ग के बारे में भी बात कर लिया, अब बात आती है अयुग्वाह की, जो मैंने बात आपसे किया कि अयुग्वाह वर्ण जो है कौन से होते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले वर्णमाला में तीन विभेद आपको बताए कि स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं और अयुग्वाह होते हैं। तो उन तीन विभेदों में से हमने दूसरा विभेद उठाया था। पहला तो हमने स्वरों के सारी चीजों को देख लिया, सारे डायमेंशन को तय कर लिया, अब हमें पढ़ना है यहां पर अयुग्वाह क्या है। अयुग्वाह वे वर्ण होते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वर में हो, ना तो स्वरों में उनको गिना जाए और ना ही व्यंजन में गिना जाए, ऐसे सारे वर्ण किसके अंतर्गत होंगे, ऐसे सारे वर्ण आपके अयुग्वाह के अंतर्गत आते हैं। समझ गए? तो जो आपका अनुस्वार है, जो आपका विसर्ग है, ये सब किसके अंतर्गत जुड़ा है, ये सब आपके अयुग्वाह वर्णों के अंतर्गत आता है। समझ गए? तो इतनी डेफिनेशन आपकी, चार से पांच डेफिनेशन क्लियर हो गई, जहां से सवाल आपके पूरे बनते हैं। बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। अब इसके बाद मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं व्यंजन वर्णों की।